बीते दिनों सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने का ऐलान किया था। इस खबर के बाद जहां पूरे देश में खुशी का माहौल बना हुआ था, लोग सरकार के इस फैसले को ऐतिहासिक बता रहे थे। वहीं बॉलीवुड के कुछ ऐसे स्टार्स भी रहे जिन्होंने इस मुद्दे पर चुप्पी साधी रखी, जिनमें शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान का नाम शामिल है। वहीं अब बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले आमिर खान ने एक ऐसा ट्वीट किया जिसे देख सभी चौंक गए। दरअसल आमिर ने मिच्छामी दुक्कड़म लिखकर एक मैसेज पोस्ट किया और पूरे देश से माफी मांगी है। उन्होंने लिखा, मिच्छामी दुक्कड़म, अगर जाने या अनजाने में कभी मैंने आपको चोट पहुंचाई हो या आपका दिल दुखाया हो, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर क्षमा मांगता हूं। कृपया मुझे क्षमा करें। आपको बता दें कि ये एक बंगाली वर्ड है जिसका मतलब सार्वजनिक तौर पर सभी से माफी मांगने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी वर्ड को यूज करते हुए आमिर ने ट्वीट कर सभी से माफी मांगी है। उनका ये ट्वीट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वहीं लोग इस ट्वीट पर अलग अलग तरह के रिएक्शंस दे रहे हैं। कोई उनकी खिल्ली उड़ाते हुए बीते साल आई उनकी फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का याद दिला रहा है, लेकिन ज्यादातर लोग कश्मीर मुद्दे पर उनकी चुप्पी साधने को लेकर अपने रिएक्शंस दे रहे हैं। वेल, ऐसा तो लोगों का कहना है, लेकिन आमिर ने किस बात के लिए माफी मांगी है ये तो वही जानते होंगे। अब बात करें उनके वर्क फ्रंट की, तो जल्द ही आमिर अपनी अपकमिंग फिल्म लाल सिंह चड्ढा में नजर आएंगे। ये फिल्म 1994 में आई हॉलीवुड क्लासिक और कॉमेडी ड्रामा फिल्म फॉरेस्ट गंप का हिंदी रीमेक है। इस फिल्म में आमिर बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आएंगे। वहीं फिल्म का फैंस को भी काफी बेसब्री से इंतजार है। अद्वैत चंदन के डायरेक्शन में बन रही इस फिल्म में उनके साथ करीना कपूर भी नजर आएंगी और ये फिल्म अगले साल यानी कि 2020 में रिलीज होगी। मेरे बर्थडे प्लान्स हमेशा वही होते हैं कि मैं एक तो आप लोगों से मिलता हूँ, और कर्ली हेयर, प्रमोशन हो गया, कर्ली हेयर थोड़ा पीछे हटना। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ, बर्थडे प्लान्स ये हैं कि मैं एक तो सुबह आपके साथ मिलता हूँ, आप लोगों के साथ, और फिर उसके बाद शाम को मेरी पूरी फैमिली आती है। किरण जी ऑर्गेनाइज करती हैं, अम्मी सब लोग आते हैं घर पे, पूरी फैमिली आती है, तो हम लोग साथ में। सॉरी, माय बर्थडे विश, वेल माय बर्थडे विश एक्चुअली ये साल इलेक्शन का साल है, तो मेरा बर्थडे विश ये है कि सब लोग हिंदुस्तान में, सभी लोग जो हैं, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है हमारी, तो सब लोग जाएँ और वोट करें और इस सबसे विश्व में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का हिस्सा बने और अपना कर्तव्य निभाएं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं बाय वोटिंग। दैट्स माय बर्थडे विश। इंडस्ट्री से किनका किनका फोन आया बर्थडे विश का? सबके टेक्स्ट आ रहे हैं मुझे, सबके फोन और टेक्स्ट आ रहे हैं, सभी के आ रहे हैं, इतने आ रहे हैं, मैं बाद में देखूंगा आराम से। हाँ नहीं, सबका देखा मैंने, धीरे धीरे देख रहा हूँ। बर्थडे रेजोल्यूशन मेरा नहीं, मेरा कोई बर्थडे रेजोल्यूशन नहीं है। किसके लिए? फैंस के लिए। हाँ, मैंने बोला था। हाँ, तो मेरे पास अनाउंसमेंट है अपने फैंस के लिए और मीडिया के लिए। जो मेरी अगली फिल्म जो मैं कर रहा हूँ वो हम लोग ने फाइनलाइज कर ली है, उसका नाम है लाल सिंह चड्ढा। और ये लाल सिंह चड्ढा जो है, इट इज़ बीइंग मेड बाय वायकॉम एंड आमिर खान प्रोडक्शंस टुगेदर। इसके डायरेक्टर होंगे अद्वैत चंदन, जिन्होंने बनाई थी सीक्रेट सुपरस्टार। और ये एक अंग्रेजी फिल्म आई थी हॉलीवुड की, फॉरेस्ट गंप, उसका अडेप्टेशन है। वी हैव बॉट द राइट्स फ्रॉम पैरामाउंट, तो पैरामाउंट इज ऑल्सो विद अस ऑन दिस, वायकॉम इज विद अस, और हम लोग फॉरेस्ट गंप का जो अडेप्टेशन है वो बना रहे हैं, और टाइटल है लाल सिंह चड्ढा। ये तो अभी आप स्क्रिप्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा। आई एम प्लेइंग द लीड रोल ऑफ लाल सिंह। सॉरी, नॉट डिसाइडेड। वी हैव स्टार्टेड द प्रेपरेशन, तो प्रेपरेशन शुरू हो गई है, हम लोग शूटिंग शुरू करेंगे अक्टूबर में। अभी 6 महीना मेरा प्रेप चलेगा, मुझे अपना वजन कम करना है टू गेट रेडी फॉर द रोल, सो आई विल बी लूजिंग 20 किलोस। आमिर,
रिलीज अभी तो शुरू होने दीजिए, रिलीज का हम लोग बताएंगे अगले साल होगी। नो आई हैव टू बी वेरी लीन एंड स्लिम इन दिस रोल, वेरी लीन एंड स्लिम, सो आई हैव टू लूज अ लॉट। वेल आई हैव ऑलवेज लव्ड फॉरेस्ट गंप एज अ स्क्रिप्ट, इट्स अ वेरी वंडरफुल स्टोरी अबाउट दिस कैरेक्टर and it's a very life affirming story, it's a very feel good film, it's a film for the whole family, it's a, you know, it's a wonderful story, so I really like it. Chadda bhi na Punjabi ka actually Sardar, ha Sardar Aamir, it's a really good transformation in fact, like over the look. So you'll be wearing a turban? Yeah, I will be, I will be. Yeah, in this movie, well, for part of the film, because the story goes a particular way, so you'll see it in the story. Aamir, aisi charcha tha ki aap Mahabharat ki taiyari kar rahe hain, jo aapka dream project hai, मैं वो आप लोग इसके बारे में रूमर्स फैलाते रहते हैं, मैंने तो कभी कुछ बोला नहीं इसके बारे में, बहुत बार पैशनेटली हमें बताया प्रोजेक्ट के बारे में कि इस वक्त मैं यही कर रहा हूं, तो आप मेरा ध्यान अभी इस वक्त सिर्फ इसी पे है, लाल सिंह चड्ढा। हम लोग गुलशन कुमार की बायोपिक भी करने वाले थे मुगल, उसका उस पे नहीं, मैंने तो कोई अनाउंसमेंट नहीं की थी, मैंने तो अभी तक एक ही अनाउंसमेंट किया, यही कर रहा हूं मैं, लाल सिंह चड्ढा। अच्छा, आप अगर सरदार बनने वाले हैं तो क्या ये दाढ़ी बढ़ाना, क्या बाल केश भी बढ़ाना, ऐसा कुछ सोच कर रखा है आपने? वो उसके लुक पे, जी हाँ, लुक पे काम कर रहे हैं हम लोग, वो शेड्यूल के हिसाब से हम लोग वो प्लान करेंगे। Is this the look for the movie? No, I'm now preparing for it. Would you always know, like, you know, you go into the character, the way it looks and more, जो जितना real लगे वो आप करते हो? कोशिश मेरी वो वही रहेगी इस दफा भी। Well, right now, no, but it's a great medium. I also love watching shows on the web, and if something nice comes up, I would love to do it. Aamir sir, kar aapko PM Narendra Modi ne Twitter pe tag karke logo se appeal kar li, ji ye kaha hai ki wo zyada se zyada karke vote karenge, ji maine to keh diya, maine reply kiya sabse pehle aap sir, kya BJP ke liye prachar karenge sir? Sir, main kisi ke liye nahi karta, special tar young voters, first time voters ke liye kya message rahega, kya appeal rahegi ki kaise vote karna chahiye first time voters? मैं एक्चुअली कभी किसी को बताता नहीं कैसे वोट करना चाहिए, हर हिंदुस्तानी खुद समझदार है, वो खुद सोच समझ के वोट करेगा, उनके लिए क्या ज़रूरी है, क्या मुद्दे ज़रूरी हैं हम सब के लिए, मतलब हर आदमी सोचता है कि मेरे लिए कौन सा मुद्दा ज़रूरी है, और वो अपने मुद्दे जो ज़रूरी मुद्दे हैं उनके हिसाब से उनको मद्देनज़र रख के वो अपना वोट देता है, और ज़रूरी ये है कि हमें हर कोई ये वोट दे, हर कोई आगे आए, वक्त निकाले और वोट दे। हाँ, जब मैं शूटिंग नहीं करता हूँ तो मैं थोड़ा लेजी हूँ, थोड़ा मैं मोटा हो जाता हूँ, लेकिन मैं करीबन 20 किलो कम करने वाला हूँ हाँ इस रोल के लिए, छः महीने का टाइम है। जी, I think every Indian should have the opportunity to vote. And अगर कुछ Indians हैं जो हिंदुस्तान से बाहर हैं उस वक्त या travel कर रहे हैं या कोई उनकी और दिक्कत है, शायद तबीयत ठीक नहीं है, तो शायद इलेक्शन कमीशन को इसके बारे में सोच कर कोई उपाय निकालना चाहिए ताकि हर हिंदुस्तानी को मौका मिले कि वो वोट कर सके। क्या उपाय है वो नहीं बता सकता मैं, वो इलेक्शन कमीशन सोचेगा। हर बार हम पानी फाउंडेशन की बात करते हैं, कब आमिर को देखेंगे? अब मैं काम कर रही हूँ एक स्क्रिप्ट पर, तो देखते हैं ये फिट होते हैं कि नहीं। मुझे स्क्रीन टेस्ट फिर से देना पड़ेगा। वसीला लगा है। वेल, पानी फाउंडेशन का काम बड़ा अच्छा चल रहा है और ये हमारा चौथा साल है। इस वक्त पूरी तैयारी चल रही है, गांव वाले जो है वो ट्रेनिंग ले रहे हैं पानलोड के काम में, और इस साल भी, पिछले साल तो 20,000 से ज़्यादा लोगों की ट्रेनिंग हुई थी फरवरी और मार्च के महीनों में, और इस साल भी हम सोच रहे हैं कि 20 से ज़्यादा ही होगा। 4,000 गांव ने पिछले साल ट्रेनिंग ली थी, इस साल शायद 7,200 तो वी आर थिंकिंग के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ट्रेनिंग हो। इस साल नॉर्मली ट्रेनिंग में हर ट्रेनिंग सेशन में 40 लोग होते हैं, इस दफ़ा लोड बढ़ गया है, प्रेशर बढ़ गया है, तो 50 लोग हैं हर ट्रेनिंग सेशन में, और ये मुझे रिपोर्ट मिली है, तो एक्साइटमेंट बहुत है गांव वालों में
और हम चाहेंगे कि हर एक गांव पूरी शक्ति अपना पूरा जोर लगा दे इस साल, क्योंकि पिछले साल बारिश अच्छी नहीं हुई थी और ये जब बारिश अच्छी नहीं होती तो और भी ज़रूरी होता है कि हम पान लूट का काम सही करें। तो जितने ज़्यादा गांव इसमें शामिल होंगे, जितना ज़्यादा लोग इसमें काम करेंगे, उतना ज़्यादा फ़ायदा सभी गाँव को होगा। और इस साल भी किरण जी और मैं अप्रैल और मई के महीने में गांव-गांव जाके लोगों के साथ काम करेंगे, जिसे हर साल हम करते हैं, और वो हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा सीखने का मौका भी होता है और हमको बड़ा मज़ा भी आता है। हम आप लोगों को भी न्योता देंगे, आप लोग आइए। 8 अप्रैल से 22 मई तक आप प्लीज़ आइए हमारे साथ, घूमिए महाराष्ट्र में। या प्लीज़ कम। इनफैक्ट ऑन 1 मई वी डू अ वेरी बिग महाश्रमदान। तो 1 मई यू ऑल कैन अप्लाई, व्हिच इज महाराष्ट्र डे। इट्स अ डे व्हेन एवरीवन इज वेलकम टू कम टू द विलेजेस एंड वर्क, एंड इट्स वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। आप ऑनलाइन जाके रजिस्टर करेंगे, दे विल एवरीथिंग विल बी टोल्ड टू यू हाउ टू कम, वेयर टू कम, हाउ टू डू।